नमस्कार दोस्तों, मैं सुशील चौधरी, खबर उत्तर प्रदेश में आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज एक छोटा सा मुद्दा है और राजनीतिक गलियारों में इतना चर्चित है कि जिसकी कोई सीमा नहीं है। मुद्दा है किसान कर्ज माफ़ी का। तो मैं आप लोगों से चाहूँगा कि कर्ज माफ़ी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। मैं आपको बता दूँ कि होना क्या चाहिए। किसानों की दुर्दशा दूर होनी चाहिए, ना कि उनको कोई लालच दिया जाए, लालच के साथ साथ वो कहीं भटक जाएं। सरकारें आती रहेंगी जाती रहेंगी और किसान अपना जीवन यापन करता रहेगा। साथ में किसानों के लिए एक सबसे बड़ी जो समस्या बनी हुई है वो कर्ज माफ़ी नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है उनका जो सामान, जैसे गेहूं है, चावल है, दाल है, उनकी जो MSP सरकारें जो फिक्स करती हैं, उन पर सही मायने में जो रेट दिए जाते हैं उस पर ख़रीदा नहीं जाता है। ऐसा क्यों होता है उसको सरकार को, जितनी भी राज्य सरकार हैं, केंद्र सरकार हैं, उनको सोचना चाहिए। इसमें जब मैंने कुछ नज़रें डालें, कुछ जो राजनीतिक विश्लेषण लोगों के थे वो भी सुने और जो समझने में आया वो ये है कि आज के समय हमें आलू का रेट है 10 रुपये किलो, प्याज का रेट है 20 रुपये किलो, गेहूं का रेट है 17-18 से 20 रुपये किलो, आटा वही आटा बन करके आता है तो उसी का रेट 28 से 30 रुपये किलो हो जाता है। तो और प्याज जैसे 20 रुपये किलो है तो किसान से 20 रुपये किलो तो नहीं ली जाती, वो 2 रुपये किलो ली जाती है, 2.5 रुपये किलो होती है, 3 रुपये किलो होती है, मैक्सिमम टू मैक्सिमम जाती है तो 5 रुपये किलो। जब 5 रुपये किलो प्याज जाती है तो उसका रेट कहीं ना कहीं 30 से 35 रुपये किलो हो जाता है। तो सरकार को इन चीज़ों पर नीतियों को सुधारना होगा। नीतियाँ क्या होंगी कि सरकार को छोटे छोटे केंद्र बनाने होंगे जिससे कि किसान अपना माल बेचे और डायरेक्ट सरकार को बेचे, या फिर ऐसे बड़े वेंडर हों जो सरकार के रेट पर वो अपना माल बेच सकें। दूसरी चीज़, आज के समय में जो हो रखा है वो कहीं ना कहीं, चाहे तो कांग्रेस हो, चाहे BJP हो, चाहे कोई अन्य दल हो, वो कहीं ना कहीं यही देखते हैं कि किसान को कैसे प्रलोभन दिया जाए। प्रलोभन देने के साथ साथ वो ये नहीं देखते हैं कि राज्य सरकार, केंद्र सरकार, जो राजस्व है, जो राज्य का खजाना है, वो कहाँ से आएगा, इतना बड़ा भरकम खजाना कहाँ से आएगा। जैसे कि अभी हाल ही में 3 प्रांतों में कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। उधर MP में कमलनाथ जी ने 2 लाख तक का कर्ज माफ़ किया है। इधर राजस्थान सरकार भी उस पर चर्चा करेगी। तो इस तरीके से इनका राज्य सरकारों के पास खजाना कहाँ से आएगा, सबसे बड़ा सवाल ये यहाँ उठता है। अगर राज्य सरकारों के पास खजाना नहीं है और खजाना जुटाने के लिए किसानों को कर्ज माफ़ करने के लिए वो कहीं ना कहीं से जेब तो कहीं ना कहीं हम लोगों की ही काटी जाएगी। तो सबसे सिंपल सी बात है कि किसानों को सामर्थ्य बनाया जाए, बेरोजगार युवाओं को सामर्थ्य बनाया जाए। कहीं ना कहीं उन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। विकास के साथ साथ सामर्थ्यवान किसान बनाए जाएं। अगर सामर्थ्यवान किसान बनेंगे तो मेरे ख्याल से जो कर्ज आज किसानों के ऊपर 1-1, 2-2 लाख का कर्ज माफ़ करके ऐसे खैरात में बांट रहे हैं ये राजनेता हैं, तो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वही मैं देख रहा हूँ कि मैंने कुछ चीज़ें ऑब्ज़र्व की, किसान खेत के नाम पर कर्ज लेते हैं, कोई मोटरसाइकिल खरीदता है तो कोई अपना घर बनाता है, तो उस कर्ज को उस जगह लगा देता है। बाद में कहते हैं कि ये किसानों का कर्ज है। जब किसान ब्याज पे पैसा बैंक से लेता है तो किसान को सबसे पहले सर्वोपरि खेती में पैसा लगाना चाहिए। उसको देखना चाहिए कि मुझे किन किन चीज़ों की ज़रूरत है, उसके हिसाब से अपना किसानों को करना चाहिए। उसके लिए जैसे
जरूरी सामान है, और उस पर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए कि जैसे कि अगर किसान को एक मान के चलो 50 बीघा जमीन है, उसको ट्रैक्टर की आवश्यकता है, ट्रैक्टर पे सब्सिडी दो, जिससे कि किसान को लगे कि हाँ मैं कुछ इससे ट्रैक्टर लेके आऊँगा तो उससे मैं अपना तो काम करूँगा ही करूँगा, साथ में और लोगों का भी काम करूँगा, उससे मैं सामर्थ्यवान भी बनूँगा और लोगों का भी हेल्प करूँगा। तो इस तरीके की जो आधुनिक चीज़ें हैं किसानों के लिए, जो आधुनिक चीज़ें हैं उस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। जैसे कि बीजेपी सरकार ने कुछ किसानों के लिए अभी दिया है कि ट्यूबवेल कनेक्शन, बिजली से अपना सिंचाई करो और महीने का बिल आएगा 2000 रुपये। तो बीजेपी सरकार ने उसमें कनेक्शन का जो बिल बनता है, उसमें जो बजट बनता है, उस पर करीब 60 से 65 हज़ार रुपये का सब्सिडी दिया है। उससे किसानों को कहीं ना कहीं फ़ायदा हुआ है। एक एक गांव में जब एक ट्यूबवेल नहीं थी, आज उस गांव में 10-10, 20-20 ट्यूबवेलें लग गई हैं, तो कहीं ना कहीं किसान को उससे फ़ायदा मिलेगा। उसे डीजल फूंकने की ज़रूरत नहीं है, समय पर लाइट मिलेगी, लाइट मिलेगी तो उसका सिंचाई अच्छे से होगी। दूसरी चीज़ उसके साथ साथ सरकार को ध्यान देना चाहिए कि सिंचाई के लिए नहर बंबे जो हैं उनकी रजवाएँ हैं, उनकी खुदाई होनी चाहिए समय के समय, उनमें पानी छोड़ा जाना चाहिए समय के समय। साथ में किसान की जब फसल के आती है उसके हिसाब से उनको तकनीकी सुविधाएं देनी चाहिए। साथ में फिर जब फसल तैयार होके किसान के घर आ जाती है तो फिर वो चाहता है कि उसको बेचें, तो बेचने के लिए उनको सरकारी केंद्र जगह जगह बना देने चाहिए। मैं कह रहा हूँ कि ज़्यादा बड़े केंद्र ना बनाए जाएं, छोटे छोटे केंद्र, एक ब्लॉक में 2 केंद्र या 4 केंद्र ऐसे बना दिए जाएं, तहसील में 10 से 12 केंद्र बन जाएं। आज जैसा कि हमारे क्षेत्र में लोगों को, किसानों को यहाँ से यूपी से हरियाणा के लिए भागना पड़ता है मात्र 10 से 20 रुपये के रेट के चक्कर में, यहाँ से 4 दिन वहाँ पर पड़े रहेंगे, ट्रैक्टर का भाड़ा है, फिर तकनीकी चीज़ें हैं और साथ में उनको इतनी समस्याएं होती हैं, पर उन चीज़ों पर सरकार का ध्यान नहीं है, किसी भी सरकार का ध्यान नहीं है। आज होड़ मची हुई है कांग्रेस में और बीजेपी में और अन्य दलों में कि किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे। तो मैं ये कहना चाहता हूँ किसानों के कर्ज माफ़ ना करने की जगह उनको आधुनिक चीज़ों पर किसानों को लेके आया जाए, साथ साथ में किसानों की तकनीकियों को बढ़ाया जाए। आज हम जितने पीछे हैं किसानों को आगे उतना ही बढ़ाया जाए, जिसमें ना तो किसानों को कर्ज माफ़ी की ज़रूरत पड़ेगी, जब स्वावलंबी किसान होगा तो उसको कर्ज की क्या ज़रूरत पड़ेगी। जब 10 बीघे ज़मीन में वो 5000 लगाएगा और 50000 का काटेगा तो उसको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। इस तरीके की व्यवस्थाएं बनानी चाहिए सरकारों को, ना कि उनको इस तरीके का बना दिया जाए कि किसान एक तरह से कर्ज ले, फिर अगली सरकार आएगी वो माफ़ कर देगी, फिर छोड़ दिया जाएगा। तो उससे जो किसानों का, हालांकि इसमें मैं कह सकता हूँ 10 से 20% ऐसे लोग हैं जिनसे कर्ज लेने के बाद भरा नहीं गया, बाकी 80% लोग ऐसे थे कि साल से साल अपना कर्ज को जमा किया फिर उसे उन्होंने निकाला। उनके साथ तो नाइंसाफी हो रही है ना एक तरह से देखा जाए तो, क्यों? क्योंकि वो समय से ले रहे हैं, समय से दे रहे हैं, अब वो भी ऐसे ही निठल्ले हो जाएंगे, वो भी अपना कर्ज कह देंगे इस सरकार ने तो माफ़ कर दिया, हम नहीं आए तो अगली बार हम भी नहीं भरेंगे, तो अगली बार ये भर देंगे। तो इस तरीके से निठल्ले होते चले जाएंगे। हम किसानों को आत्मसम्मान की जगह हम उनको कहीं ना कहीं गर्त में ढकेलते हुए जा रहे हैं। तो सरकार इन चीज़ों पर ध्यान दे, और हो सकता है कि मैं कहता हूँ कि अगर जिस तरीके से हम सोच, जो हमारे देश की सोच और हमारी संस्कृति और परंपराएं हैं, हम उन परंपराओं से दूर ना भागें, अगर हम इसी तरह से हम देखते रहेंगे, करते रहेंगे, तो हो सकता है कहीं ना कहीं आज किसान 1 लाख ले रहा है, कभी 2 लाख लेगा, और इससे किसानों की जो बढ़ती आत्महत्या हैं वो कम नहीं हो रही हैं, कहीं ना कहीं वो भी वहीं की वहीं जस की तस बनी हुई हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है, जो किसान एक्चुअल में सर्वे किया जाए, एक्चुअल में किसान जो गरीब है उसको सहायता दी जाए, किस तरह से सहायता हम सरकारों के द्वारा दी जा सकती है, जैसे फसल बीमा है, अगर तुम्हारे गेहूं की फसल है, सरसों की फसल है, इस पर ओले पड़ गए, या फिर
ठंड की वजह से अगर ये खराब हो गए तो उनको फसल बीमा के माध्यम से उनको जो उनको एक मूल्य बनता है वो दिया जाए। तो इससे कहीं ना कहीं किसानों को फायदा इस तरीके से हो सकता है, ना कि मैं 1 लाख ले लूं और उसके बाद उस पर ब्याज चलती रहेगी, 4 साल बाद 1 लाख 1.5 लाख हो जाएंगे, सरकार उसको माफ़ कर देगी, सरकार के खजाने से पैसा आएगा, बैंकों को पैसा मिल जाएगा। कहीं ना कहीं कई बार बैंकें भी इस चक्कर में दिवालिया हो जाएंगी कि जिस तरीके से सरकारों ने लाने में ले जाने में कुछ किया। अच्छा, दूसरी चीज़, कुछ किसानों के तरफ से मैं अगर एक बात रखूं तो किसान कहते हैं कि हमारा कर्ज माफ़ क्यों नहीं होना चाहिए जब इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों के पैसे माफ़ हो जा रहे हैं। उस जगह उद्योगपति जिस तरीके से आप किसान हैं अपनी ज़मीन को मॉर्गेज रख के उस पर कर्ज लेके आते हैं, उसी तरह से बड़े बड़े उद्योगपति भी उसी तरह से अपना कर्ज लेते हैं। हालांकि उनके बड़े बड़े व्यापार हैं, बड़े बड़े तरीके हैं, तो किसानों के पास बैंक मित्र नहीं आते हैं, उनके पास बैंक मित्र उनके ऑफिस में पहुंच जाते हैं क्योंकि उनको बड़ा अमाउंट देना होता है। तो वहाँ पे उस तरीके से जिस तरीके से उनके पास मान के चलो 4 फैक्ट्रियाँ हैं, 4 फैक्ट्रियों पे उन्होंने ब्याज पे लोन ले लिया, अगर वो 4 फैक्ट्रियों में इतना मुनाफा नहीं कमा पाया और पैसा जमा नहीं कर पाया तो उसमें उनके लिए ये होता है कि उनकी जो मॉर्गेज फैक्ट्रियाँ हैं उनको जब्त कर लेती है बैंक, और उसके बाद उस बैंक की जिम्मेदारी होती है उसको फिर रीसेल कर देते हैं। जैसे मान के चलो एक कंपनी ने बी कंपनी को सेल कर दिया, ए कंपनी उसको पैसा चुकता नहीं करा पाई तो बी कंपनी ने उसको सेल परचेज कर लिया, उसके बाद बैंक उससे जितना पैसा आया था उसको उसमें लोन के पैसे को अमाउंट को एडजस्ट करेगी, उसके बाद जितना बकाया होता है उसको फिर डिफॉल्टर करके रख देगी। हालांकि वो डिफॉल्टर हो जाएगा तो आगे उसको कभी ना तो लोन मिलेगा ना ही कभी उसको देखा जाएगा। फिर उसके बाद बैंक की प्रक्रिया होती है कि थर्ड पार्टी के थ्रू रिकवरी कराने का काम होता है, तो उनसे रिकवरी भी होती है। ऐसा किसानों के साथ नहीं होता है, किसानों का होता है कि अगर ज़्यादा से ज़्यादा समय हो जाता है तो उनको एक नोटिस आ जाता है, नोटिस के साथ साथ कह देते हैं कि या तो अपनी ज़मीन के जो मॉर्गेज रखी है उसके हिसाब से आप पैसा जमा कर दो अन्यथा इसको हम कब्जे में कर लेंगे। तो एक तरह से वो उस तरीके से नोटिस जैसे किसानों को आता है इसी तरीके से बड़े बड़े उद्योगपतियों को भी आता है। तो यहाँ पे जो लोगों को भ्रमित करने वाले लोग हैं कि इतने बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ कर दिया और किसानों का नहीं कर रहे हैं, तो वो गलत चीज़ें हैं। लोगों में गलत अफवाह ना फैलाएं, जैसे कि किसी से किसी का नुकसान हो, और मैं कहता हूं कि हमेशा जो एक्चुअल में चीज़ें हैं उनको ही जज करें और सही मानें। तो मैं कहना चाहूँगा सरकारों से भी, और ये जो कांग्रेस और बीजेपी आपस में जो खेल खेल रही हैं किसानों के कर्ज माफ़ी के लिए, इसका एक सही निर्णय किसानों के कर्ज माफ़ी की जगह आधुनिक किसान बनाएं, जिससे कि किसानों को सहूलियत भी मिले, ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े और उसमें अपना कार्य भी करें और अच्छा दोगुना या तिगुना उसे लाभ उठा पाएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे और कोई भी सुझाव हो तो आप मुझे नीचे कमेंट में लिख करके बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।